हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा ये जो शिवाजी महाराज का जो स्केच है इसका कैसे शेड करते हैं। तो आपने अगर पार्ट वन नहीं देखा तो जल्दी से जाके पार्ट वन देखिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ चेक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले जो मैं ऐसे कर रहा हूँ, पहले मैं HB पेंसिल से फुल फेस को शेड कर दूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं HB से एकदम लाइट प्रेशर से आपको शेड करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा जो HB पेंसिल से मैंने फेस को शेड कर दिया। यहाँ पे मैं बस आईब्रो की जो स्ट्रोक्स है उसको बनाऊंगा, और स्ट्रोक्स एकदम जैसे कि रेफरेंस फ़ोटो में वैसे ही रखना, उससे अच्छा रिजल्ट आएगा। अब मैंने यूज़ किया है ब्रश, और ब्रश मैं यूज़ कर रहा हूँ, ब्रश में मैं एक बार फुल फेस को ब्लेंड कर दूँगा जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडिंग स्टम्प का। यहाँ पे मैं 2B पेंसिल से जो भी डार्क एरियाज हैं उसको मैं शेड कर रहा हूँ, और एकदम अच्छे से आपको 2B से शेड करना है जो लाइट एरियाज है उसको छोड़ के, और एकदम अच्छे से जैसे कि मैं देख रहा हूँ आपको रेफरेंस फोटो में जो भी डार्क एरियाज है उसको ऐसे इससे शेड कर देना 2B पेंसिल से। सो यहाँ पे मैंने 2B से लेयर लगा दिए, लेयर को आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इसके लिए मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्मूथ रिजल्ट के लिए ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रफ टेक्स्चर चाहिए तो आप डेफिनेटली ब्रश यूज़ कर सकते हैं। मेरे को यहाँ पे स्मूथ इफेक्ट चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ कर रहा हूँ, वरना आप मेकअप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं।
सो यहाँ पे मैं 4B पेंसिल से जो भी डार्क एरियाज है उसको अच्छे से शेड कर दूँगा। सबसे पहले मैं आईब्रो में कर रहा हूँ, तो आईब्रो में आपको स्ट्रोक्स के अकॉर्डिंग करना है, ऐसे नहीं जैसे तैसे, आपको स्ट्रोक्स के अकॉर्डिंग ही करना है अगर आपको रियलिस्टिक रिजल्ट चाहिए तो। अब यहाँ पे मैं आईबॉल्स में कर लिया हूँ। अब यहाँ पे मैं नीडेबल इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। नीडेबल इरेजर से जो भी रेफरेंस फोटो में हाइलाइट्स है उसको दे रहा हूँ। अगर आपके पास नीडेबल इरेजर नहीं है तो आप नॉर्मल इरेजर भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नीडेबल इरेजर है तो नीडेबल इरेजर का यूज़ करो, वरना तो नॉर्मल इरेजर से भी हो जाएगा। यहाँ पे मैं ब्रश से ब्लेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा रफ रिजल्ट चाहिए था तो मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। आप ब्लेंडिंग स्टम्प भी यूज़ कर सकते हैं, बट जहाँ जहाँ आपने हाईलाइट दिया उसको ही ब्लेंड करना है। यहाँ पे मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ जो डार्क एरियाज है उनको डार्क करने के लिए। यहाँ पे मैं HB पेंसिल से थोड़ी जगह जो है ऐसे जैसे कि मैं देख रहा है यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वो HB पेंसिल से मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे इसको भी ब्लेंड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं नीडेबल इरेजर से जो भी एरियाज है उनको हाईलाइट कर रहा हूँ जैसा कि पहले किया था, ऐसे जैसे कि अगर आप लेयर बाय लेयर शेड करते हुए और लेयर बाय लेयर हाईलाइट करते हुए जाएंगे ना, तो आपको एक बहुत लास्ट में, मतलब जब हमारा ये फेस कंप्लीट होगा ना, तो आप देख सकते हैं कि एकदम रियलिस्टिक रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जैसा रिजल्ट आपको चाहिए वैसा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही मैं ऐसे मतलब शेड करता जा रहा था पेंसिल से, और फिर उसके बाद उसको ब्लेंड करता जा रहा था ब्लेंडिंग स्टम्प या तो ब्रश से, और जहाँ पे भी मेरे को हाईलाइट करने थे मैं वहाँ पे नीडेबल इरेजर यूज़ कर रहा था। आप लोग नॉर्मल इरेजर भी यूज़ कर सकते हैं।
मेरे पास नीडेबल इरेजर था, इसके लिए मैं नीडेबल इरेजर यूज़ कर रहा था। आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल इरेजर को कट करके या तो उसका शार्प एज लेके कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ये है एक इरेजर है, ये 20 रुपीज़ का मिल जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो टॉम्बो मोनो है तो और अच्छा है, बट अगर ये दोनों भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, रबर के साइड को कट करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिप्स को शेड कर रहा हूँ। लिप्स को शेड करने के लिए पहले HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली HB पेंसिल से आपको फुल फेस को लाइटली, मतलब लिप्स को लाइटली शेड करने के बाद आपको HB पेंसिल से जो भी डार्क एरिया है उसको यूज़ करने के बाद आपको नीडेबल इरेजर से जो भी, मतलब कि वाइट एरियाज है उसको हाईलाइट कर देना है। फिर 4B पेंसिल से वो जो डार्क एरियाज है उसको, मतलब कि ब्लेंड कर लेना है। उससे पहले आपको क्या कर लेना है, ये HB पेंसिल का लेयर देने के पहले बाल हाईलाइट करके आपको उसको ब्लेंड कर लेना है। और फिर उसके बाद 4B पेंसिल से आपको उसको करना है और फिर ब्लेंडिंग स्टम्प से वही एरिया आपको कर देना है। अब गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे मैं टैप टैप करके अभी है ना जो भी डार्क एरियाज हो जा रही है ना, तो क्या कर रहा हूँ कि जो अपना नीडेबल इरेजर है ना उसको टैप टैप करके मैं उसको हाइलाइट कर रहा था। जो हेड की जो एरियाज हैं वहाँ पे ओवर हाईलाइट नहीं चाहिए था तो मैंने वहाँ पे ब्लेंड कर दिया था। फिर उसके बाद टैप टैप करके वो जो थोड़ा डार्क एरिया था उसको लाइट कर दिया था। यहाँ पे मैं 4B पेंसिल का यूज़ करा। यहाँ पे गाइस हमारी जो क्या नाम से कि हमारी फेस की शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको हेयर में स्ट्रोक्स देना है, मतलब कि HB पेंसिल से मैं लाइट, मतलब स्ट्रोक्स देना है आपको। जो हेयर में स्ट्रोक्स है ना वो आपको HB पेंसिल से पहले दे देना है, और स्ट्रोक्स एकदम रेफरेंस फ़ोटो में ऑब्जर्व करके देना है। जैसे तैसे करोगे तो रियलिस्टिक रिजल्ट नहीं आएगा, और एकदम जैसे कि रेफरेंस फ़ोटो है उसको देख के करना और अच्छे से, मतलब जैसे कि मैंने किए स्ट्रोक्स स्ट्रोक्स में वैसे।
और यहाँ पे आ गए हैं यहाँ पे हमारी बियर्ड और मूंछ का सेंटर है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से मतलब कि स्ट्रोक्स दे देखिए आपको करना है, और अभी स्ट्रोक्स दे रहे हूँ मैं। और अब आ गया बियर्ड, बियर्ड में आपको एकदम अच्छे से स्ट्रोक्स दे देनी है एचबी पेंसिल से, एकदम अच्छे से जैसी जैसी दिख रही है रेफरेंस फ़ोटो में वैसे कर देना है। और अभी थोड़े लाइट एरिया से उसको हम बाद में हाईलाइट कर लेंगे। ऑल राइट, यहाँ पे हमारा स्ट्रोक्स दे दिया हमने एचबी पेंसिल से। तो मैं यहाँ पे फूल भी पेंसिल से जो भी डार्क एरिया से वहाँ पे आपको रेफरेंस फोटो में जहाँ डार्क है वहाँ पे आपको कर लेना है फूल भी पेंसिल से डार्क। और जैसे कि आपने फर्स्ट लेयर में एचबी की पेंसिल की लेयर में आपने अच्छे से स्ट्रोक्स दे दिए थे तो एकदम ईजी पड़ जाएगा आपको फोर बी में जो डार्क वो है स्ट्रोक्स उनको देने में। और लाइट एरियाज को छोड़ छोड़ के करना जैसे कि मैं कर रहा हूँ, लाइट एरियाज यहाँ पे भी है। हेयर में भी आपको सेम चीज करनी है, अच्छे से स्ट्रोक्स देना। ऑल राइट, तो हमने अच्छे से स्ट्रोक्स दे दिया है फोर बी पेंसिल से। अभी आपको स्ट्रोक्स के अकॉर्डिंग ब्लेंडिंग करना है, जैसे तैसे करोगे तो स्ट्रोक्स जो है वो दिखेंगे नहीं। एकदम स्ट्रोक्स के अकॉर्डिंग मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, जैसे जैसे स्ट्रोक्स है वैसे वैसे ब्रश घुमाओ। हेयर में भी आपको वैसे ही करना है स्ट्रोक्स के अकॉर्डिंग ही ब्लेंडिंग, और बियर्ड में करना है। और फिर यहाँ पे मैं एप्सरा का मैकेनो इरेजर यूज़ कर रहा हूँ, और अगर आपके पास टॉम्बोम होने हैं तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। नहीं है ये दोनों तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि रबर का एक साइड कट करके उसका शार्प पॉइंट बना के यूज़ कर सकते हैं आप। मैं जो वाइट एरियाज है ना उसको दे रहा हूँ इससे, ठीक है, जो भी वाइट बियर्ड्स हैं कहीं कहीं वाइट हाइलाइट्स हैं वो सब दे रहा हूँ। और ज़्यादा हो जा रही है तो मैं फूल भी पेंसिल से उसको कवर अप कर दे रहा हूँ। अगर आपकी भी अगर थोड़ी भी मतलब कि स्ट्रोक्स ख़राब हो गई, मतलब कि आपने मोटी दे दी, तो फिर क्या करने का कि थोड़ा जो अपना वो फूल भी पेंसिल से उसको पतली कर लेने का। अब यहाँ पे मैं ब्लेंड कर लूँगा जो भी हमने अभी तक हाईलाइट स्ट्रोक हाईलाइट दी थी, एकदम स्ट्रोक्स के अकॉर्डिंग ब्लेंडिंग करना। देख सकते हैं कितना मस्त रिजल्ट आ गया। अब जहाँ पे भी डार्क है बहुत ज़्यादा डार्क वहाँ पे ही मैं यूज़ कर रहा हूँ क्या नाम से 8B पेंसिल। 8B पेंसिल जहाँ पे डार्क एरियाज है वहाँ पे करना है आपको, ऐसे मीडियम एरियाज में आपको नहीं करना है। और यहाँ पे मैंने जो हेयर में ब्लेंडिंग थी वापस कर देने की हो गए। अब मैं नीडेबल इरेजर से थोड़ा अच्छा रियलिस्टिक रिजल्ट लाने के आपको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा जो बियर्ड्स के ऊपर वाली एरिया होते हैं ना उसको वाइट कर देने का, जैसे कि आप देख सकते हैं उससे थोड़ा रियलिस्टिक रिजल्ट आता है।
सो गाइज यहाँ पे हमारा क्या नाम से कि हमारा पूरा शेडिंग जो बियर्ड और हेयर और फेस में जो शेडिंग था वो हो गया। हमने इतनी लेयर लगाई कि ये बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है और बहुत, आपने मेरे जैसे मैंने बताया वैसे फॉलो किया होगा तो आपको इससे सेम रिज़ल्ट मिला होगा या तो इससे भी अच्छा मिला होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को और अपने दोस्तों से शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, एंजॉय द ड्राइंग रिव्यू।